सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इमली की चटनी घर पे बनाना बताएंगे। जैसे कि हम हलवाई से इमली की चटनी लेके आते हैं तो वो एक या दो दिन में खराब हो जाती है, तो आज हम आपको ऐसी इमली की चटनी बना के बताएंगे कि ये आप साल भर भी रखोगे तो कभी खराब नहीं होगी। आप इसे बॉटल में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, साल भर आप इसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक पाव इमली ली है, ये 250 ग्राम इमली है। 200 ग्राम मैंने चीनी ली है, 150 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। गुड़ और चीनी की क्वांटिटी आप जब बनाओगे उसके हिसाब से, आपकी इमली ज्यादा खट्टी होगी तो उसी हिसाब से आप डाल सकते हो। ये 200 ग्राम है, ये 150 ग्राम है। 1.5 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच के करीब मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं जिनको हम मगज भी बोलते हैं, और 1/2 चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया है। अब हम सबसे पहले इमली लेंगे, इसको हम गर्म पानी में भिगो के 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। मैं अभी भिगोती हूँ इसको। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, पानी मैंने 1.5 ग्लास के करीब इसमें डाल दिया है, और इसको अब हम भिगो के 1/2 घंटे के लिए अच्छी तरह डिप कर देंगे इसको अंदर की तरफ। 1/2 घंटे तक आप इसे रख दीजिए, फिर हम इसे मैश करेंगे बाद में। अब 1/2 घंटा इसको भिगोने के बाद मैंने इसे मैश कर लिया अच्छी तरह। ये देखिए पल्प एक साइड हो गया है, और जो इसके बीज हैं और ये इसकी जाली है ये सारी अलग हो गई है। इसमें इमली है जो बाजार में दो तरह की मिलती है, एक तो बिना बीज के मिलती है, एक बीज वाली होती है। ये इमली बीज वाली है, तो अब इसे हम छान लेंगे पहले। अब मैंने ये एक स्ट्रेनर लिया है, उसमें मैं थोड़ी थोड़ी डाल के इसको स्ट्रेन कर लूंगी। अभी थोड़ी सी रोक लेंगे इसे। अब हम अच्छी तरह इस तरह इसका पल्प, ये देखिए पल्प इसका बाहर निकल जाएगा। इसकी गुठलियां हमने अलग कर देनी है। अगर आप इसी तरह इसकी गुठलियां निकाल दोगे और इसी तरह डोंगे में इसी तरह रहने देते बाउल में, तो जो इसके अंदर से एक हार्ड वाली इसकी लेयर होती है वो रुक जाती है इसके अंदर। आप इस तरह स्टेन करो इसको तो बिल्कुल स्मूथ चटनी बनेगी, कोई किसी तरह की गुठली या कोई बीज इसमें रहेगा नहीं। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, इसे अच्छी तरह छान लें। सारी इमली आपने इसी तरह छान लेनी है, बीज अलग कर देंगे। अब मैंने सारी इमली को छान लिया है, ये देखिए ये इसका पल्प निकल गया है और गुठलियां हमने एक साइड कर दी हैं। अब हम गैस पे रख के इसको पकाना शुरू करेंगे। गैस हमने चला दी है, अब इसको अच्छी तरह बॉयल आने तक इस तरह पकाएंगे। बाद में हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। जो हलवाई वाली इमली होती चटनी होती है इमली की, उसमें वो लोग अरारोट या फिर मैदा डाल देते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि वो पतली बनाते हैं और उसको गाढ़ा करने के लिए मैदा या अरारोट डाल देते हैं, तो उस कारण वो चटनी जल्दी खराब हो जाती है। जो हम लोग बनाएंगे वो हम बिना अरारोट के बनाएंगे, बिना मैदे के बनाएंगे, तो आप इसे साल दो साल कितने भी टाइम तक इसे आप स्टोर करके रख सकते हो। अब ये इमली बॉयल होने लगी है, अब इसमें हम ये गुड़ डाल देंगे और ये चीनी डालेंगे जो गरम मसाला है वो भी डाल देंगे, जीरा पाउडर, काली मिर्च, देगी लाल मिर्च। ये हमने लाल मिर्च देगी वाली यूज की है जो बिल्कुल कलरफुल होती है, लेकिन इसमें मिर्ची का कोई इसमें टेस्ट नहीं होता, ये कलर के लिए डाली है मैंने। ये चटनी मैं बिना मिर्च के बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आप इसमें स्पाइसी करना चाहते हो इसको तो आप थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो इसको। तो इसमें ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो अगर आपने डालना है तो ये 1.5 चम्मच नमक का है, और ये मेरे पास जो मगज है थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसे अब हम अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखिए अब ये थोड़ी आपको पतली लगेगी जिस टाइम आपने ये सारा सामान डाला है, लेकिन ये थोड़ी देर पकने के बाद बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी। इसे हम 5-7 मिनट इसी तरह पकाएंगे। इसको हम उतना गाढ़ा रखेंगे जितना कि हमारी कड़छी को ये थोड़ा लगना शुरू हो जाए, हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना इसको। ये ठंडी होने के बाद अपने आप थोड़ी थिक फॉर्म में आ जाएगी। अभी ये दिखा सकती हूँ मैं आपको, अभी ऐसी है ये। अभी थोड़ी देर और पकाएंगे इसको 2-3 मिनट। अभी इसमें थोड़ा धुआं उठ रहा है तो आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये देखिए
कलर इसका बहुत अच्छा आया है। इसे हमने लोहे की कढ़ाई में बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप लोहे की कढ़ाई में पकाओगे तो इसका कलर नहीं आएगा, ये काली हो जाएगी। आप इसे हो सके तो स्टील के बर्तन में बनाएं। अब ये देखिए, ये इमली की चटनी अब हमारी बन गई है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने तक इसी तरह रख लेंगे। और जब ये ठंडी हो जाएगी, इसे हम बॉटल में भर के रखेंगे फ्रिज के अंदर। ये देखिए, ये ऐसी है। अभी मैं आपको थोड़ा ठंडा होने पे दिखाती हूँ। इसको ठंडा होने पे ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। अब ये चटनी हमारी ठंडी हो गई है और इसकी जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी हुई है। ये देखिए, ये चटनी हमारी बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी बनी है। तो आप इसे आप बॉटल में भर के रख लीजिए और आप 1 साल 2 साल जितने टाइम भी रखना चाहते हो इसको रख सकते हो, और ये ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया है। आप भी इसे बनाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।